ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। और यमराज और कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? एक स्त्री। एक एक्टर क्या प्रभास बन रहे हैं दूसरे आमिर खान। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली फेम प्रभास को अब किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, और जब से एक के बाद एक उनके जबरदस्त फिल्में सामने आ रही हैं, तब से तो दोस्तों बस ऐसा हो रहा है कि हर तरफ बस प्रभास ही प्रभास हुए जा रही है, फिर चाहे वो दर्शकों के दिल हो, सोशल मीडिया हो या फिर थिएटर। जल्द ही प्रभास की राधे श्याम और आदि पुरुष फिल्में आने वाली हैं, और बता दे कि आदि पुरुष एक मैथोलॉजिकल फिल्म है जिसमें एक बार फिर बाहुबली अभिनेता मैथोलॉजिकल लुक में दिखाई देंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि प्रभास ही क्यों हमेशा मैथोलॉजिकल फिल्मों के लिए पहली पसंद होते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहुबली के बाद से प्रभास का ग्राफ एकदम से हाई चला गया है, तभी तो आदि पुरुष के लिए प्रभास को इतनी मोटी रकम दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष के लिए प्रभास को 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन सिनेमा में ये सबसे ज्यादा रकम चार्ज हुई है अब तक। इससे पहले सलमान खान ने सुल्तान और टाइगर जिंदा है के लिए भी इतना चार्ज नहीं किया था, जो कि अब तक का हाईएस्ट पेइंग अमाउंट बताया जा रहा है। तो आप इस बात से ही प्रभास की डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों लगता है प्रभास अब आमिर खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां आमिर खान सिलेक्टिव लेकिन बेस्ट फिल्म्स करते हैं, वैसे ही प्रभास भी काफी सोच समझकर कुछ ही फिल्में साइन करते हैं और वो फिल्म काफी सुपर डुपर हिट जाती हैं। अभी देखना काफी मजेदार होगा कि लाल सिंह चड्ढा और वही दूसरी और प्रभास की आदि पुरुष में से कौन सी फिल्म और कौन सा एक्टर बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहरा पाता है। बता दो दोस्तों कि अब आदि पुरुष फिल्म में प्रभास संग सैफ अली खान और कृति सानन नजर आएंगे। इस फिल्म के अलावा प्रभास जल्द ही राधे श्याम फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रोजेक्ट के में दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले हैं। और दोस्तों अब इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे अलविदा। और हाँ दोस्तों, हमें जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए मुकाबला कौन सी हीरोइन थी मेकर्स की पहली पसंद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। आदि पुरुष एक अपकमिंग भारतीय पौराणिक फिल्म है जो हिंदू माइथोलॉजी रामायण पर आधारित है। आदि पुरुष के राइटर और डायरेक्टर हैं ओम राउत। आदि पुरुष एक एक्शन ड्रामा मूवी है। निर्माताओं ने खुलासा किया है कि प्रभास भगवान राम का रोल कर सकते हैं। सैफ अली खान, जो पहले से ही तानाजी में खलनायक के रूप में काम कर चुके हैं, उन्हें लंकेश के नाम से रावण की भूमिका में साइन किया गया है। कृति सैनन को सीता के रोल के लिए चुना गया है। सनी सिंह यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले करेंगे। वत्सल सेठ मेघनाथ का रोल प्ले कर सकते हैं। देवदत्ता नागे हनुमान का रोल प्ले करने वाले हैं। अब बारी आती है इस मूवी के विलन की। आदि पुरुष में विलन का रोल किया है सैफ अली खान ने। सैफ अली खान इस फिल्म में लंकेश का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कौन दे सकता है आदि पुरुष को कड़ी टक्कर? ये सबसे बड़ी क्लैशेस में से एक माना जाता है, क्योंकि ये फिल्म अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से टकराएगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, एक तरफ अक्षय कुमार और दूसरी तरफ प्रभास। तो कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा? रक्षाबंधन में भूमि पेडनेकर भी हैं, जो अक्षय कुमार के साथ टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आई थी, और फिर एक बार
वो रक्षाबंधन के जरिए इस फिल्म से अक्षय कुमार के साथ जुड़ेंगी। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं आनंद एल रॉय। इसे हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। इसमें अक्षय कुमार एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही इस फिल्म में अक्षय कुमार की बहन अलका हीरा नंदानी भी इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं और ये उनकी पहली मूवी है। तो ये देखने में मजा आएगा कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाएगी। आदि पुरुष के मेकर्स के लिए कृति सैनन नहीं थी पहली चॉइस। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आदि पुरुष के मेकर्स के लिए पहली चॉइस कौन थी, यानी कि फर्स्ट चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस थी अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और कीर्ति सुरेश को देवी सीता की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। किसी कारणवश उन्हें ये रोल नहीं मिला। कृति सैनन को सीता के रोल के लिए चुन लिया गया है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या एक बार फिर से प्रभास बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? और कैटेगरी के हीरो का बोलबाला, बॉलीवुड में रहा पहली रोमांस, एक्शन, कॉमेडी फिल्मों की कैटेगरी की फिल्में देखने को मिलती थी, वही अब जहां सब बदल रहा है, वही कैटेगरी में अब भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तभी तो दर्शकों बॉलीवुड में के बाद एक लगातार माइनोलॉजिकल फिल्मों का बैक टू बैक चलन चल पड़ा है। ब्रह्मास्त्र, बाहुबली 3, आदि पुरुष। ऐसे में अब अगर ये सब कैटेगरी की जगह माइथोलॉजिकल फिल्म ने ले ली है तो अब हीरो की भी जगह तो बदलेगी ना। क्योंकि जब सरकार बदलती है तो उसके पहले वाला तो बदलता ही है और फिर देश में भी उसी का बोलबाला भी रहता है। ऐसे में सबको पता है कि रोमांस का बादशाह है SRK, और अब जहाँ माइथोलॉजिकल की बात है तो उसका तो सरदारो मदार संभाला है बाहुबली से सुपरस्टार बनने वाले प्रभास ने, और जहाँ प्रभास अब हर कैरेक्टर की पहली चॉइस बनने जा रहे हैं, तो चाहे वो रोमांटिक बेस मूवी हो राधे श्याम हो या एक्शन मूवी 2-4। और जब बात माइथोलॉजिकल की हो तो प्रभास उस मूवी का हिस्सा ना हो तो वो तो मूवी का हिस्सा जाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तभी तो बाहुबली से लाइमलाइट में आने वाले प्रभास आदि पुरुष से अब छाने वाले हैं एक बार फिर से, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाली आदि पुरुष मूवी में बाहुबली से भी ज्यादा जबरदस्त VFX यूज होने वाला है। फुल मूवी 3D ग्रीन शीट पर शूट की जा रही है। बॉलीवुड में इससे पहले भाईजान की मूवी सुल्तान में कई जगहों पर ग्रीन शीट का यूज किया गया था, जैसे लास्ट में हुई रेसिंग मूवी में नाई टूटने वाला सीन, ये सब ग्रीन शीट पर शूट किया गया था। और अब आने वाली आदि पुरुष मूवी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी सीन के लिए ग्रीन शीट का यूज किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली आदि पुरुष कितना धमाकेदार होने वाली है, जिसे देख आपके सच में होश उड़ने वाली है। और बाहुबली से कई ज्यादा जबरदस्त होने वाली है ये मूवी हर मामले में। तो जिस मूवी से प्रभास हीरो बने, तो आने वाली इस मूवी से तो सुपरस्टार बने से उन्हें शायद ही अब कोई रोक पाएगा। अब इसी के साथ मैं आपकी होस्ट लेडी हूँ आप सभी से अलविदा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है आने वाली ये मूवी क्या प्रभास को बना देगी सुपरस्टार और मैं किसका रोल निभाने वाली है। हेलो दोस्तों, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीक। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में प्रभास की आदि पुरुष भी शामिल है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन करोड़ों की लागत में बनने वाली ये फिल्म अपनी कास्टिंग को लेके काफी चर्चों में है। इस फिल्म की शूटिंग की प्लानिंग मुंबई में की जा रही है। ओम राउत अपने इस फिल्म का निर्माण शुरू करने से पहले कास्टिंग को लेकर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। प्रभास निभाएंगे श्री राम की भूमिका तो सैफ अली खान बनेंगे रावण। कृति सैनन हमें दिखाई देंगी सीता के किरदार में। अब बात आती है लक्ष्मण और उर्मिला की। तो आपको बता दें, लक्ष्मण के किरदार के लिए सनी सिंह की कास्टिंग भी तय कर ली गई है। सोनू की टीटू की स्वीटी फेम अभिनेता हैं सनी सिंह। अभी तक सबसे ज्यादा जिसका इंतजार हो रहा है वो है उर्मिला का। आखिर कौन सी एक्ट्रेस ने बाजी मारी है इसके लिए और काफी बड़े नामों का पत्ता भी काट दिया है इस लिस्ट से। तो आपको बता दें, उर्मिला का किरदार निभाने वाली है साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश। इस रोल के लिए अनुष्का शेट्टी का नाम भी चर्चा में था। लक्ष्मण की उर्मिला बनने के लिए कीर्ति सुरेश को फाइनल किया गया है। फिलहाल उनके बहुत कम सीन्स होंगे इसमें, क्योंकि ये फिल्म रामायण के परिप्रेक्ष्य से बनी है। कीर्ति सुरेश ने दक्षिण भारत की फिल्मों में काफी नाम कमाया है। मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों पर भी उनकी पकड़ है। फिल्म महानदी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इस फिल्म में उन्होंने गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सावित्री की भूमिका निभाई थी। कीर्ति सुरेश इन दिनों महेश बाबू की फिल्म पाटा की शूटिंग में बिजी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो आदि पुरुष की शूटिंग शुरू करेंगी। आदि पुरुष 3D फॉर्मेट पर बन रही है।
भारी भरकम वाली बजट का इस फिल्म का फैंस को काफी इंतजार। हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम पांच भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होगी। आपको बता दें, ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का भी इस फिल्म को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, इस फिल्म का बजट 350 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के बजट की उम्मीद है। ओम राउत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि राम के जीवन का इस फिल्म में एक पार्ट दिखाया गया है। ये फिल्म पूरी तरीके से रामायण पर बेस्ड नहीं है। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कीर्ति को इस फिल्म में देखने के लिए उर्मिला के किरदार में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आ रहा है हनुमान जी का किरदार आदि पुरुष में। कौन होगी आदि पुरुष की माता कैकेयी और आखिर क्या है नौरा का आदि पुरुष कनेक्शन? हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज गाइज, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, प्रभास स्टारर आदि पुरुष फिल्म में हनुमान का किरदार काफी विचित्र और खास होने वाला है। 500 करोड़ के बड़े बजट पर तैयार हो रही इस फिल्म में फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा उम्मीद फिल्म के मेकर्स लगाकर बैठे हैं। आदि पुरुष में हनुमान का कैरेक्टर काफी अलग तरीके से दिखाया जाने वाला है। देवदत्तन आगे जो कि इस फिल्म में हनुमान का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो काफी ज्यादा मेहनत अपने रोल के लिए कर रहे हैं। वो अपने आप को पूरी तरह से हनुमान जी के कैरेक्टर में ढाल देना चाहते हैं। इसके लिए वो कई तरह की तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिल्म में अहम किरदार निभा रहा हर एक सदस्य रामायण कहे या फिर रामचरितमानस, इन किताबों को बार बार पढ़ रहा है। अब दोस्तों, इस फिल्म के जरिए हनुमान का एक अनदेखा स्वरूप सामने आ सकता है। हो सकता है कि आदि पुरुष में माँ सीता का अपहरण नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके हनुमान अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ एक तरफ हनुमान जी को श्री राम का परम भक्त कहा जाता है, इस फिल्म में हनुमान उनसे तर्क वितर्क करते हुए दिखाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म में एक काफी बड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी रखा गया है, और वो एलिमेंट जुड़ा है बॉलीवुड की डांसिंग डीवा नौरा फतेही से। नौरा फतेही आदि पुरुष में काफी यूनिक किरदार प्ले करती हुई नजर आ सकती हैं। अगर वो फिल्म में है तो दोस्तों ये एक बात तो साफ है कि वो एक अमेजिंग डांस नंबर इस फिल्म में जरूर होगा। दोस्तों, धारा की एंट्री उसी डांस नंबर से फिल्म में होने वाली है, लेकिन दोस्तों वो किरदार कैसा होगा ये काफी बड़ा सरप्राइज मेकर्स रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके सामने जल्द ही नौरा के किरदार से रिलेटेड अपडेट्स हम लेकर जरूर आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या आदि पुरुष की कहानी किसी एक किरदार के पर्सपेक्टिव से बताई जाएगी? कौन है ये किरदार और क्या असर हो सकता है इस कहानी पर, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी कहानी को बताने के कई तरीके होते हैं। एक कहानी में कई चरित्र होते हैं और इन चरित्रों को अपनी ही एक अनोखी कहानी होती है। इन कहानियों को उनके चरित्रों की जुबानी सुना जा सकता है और कहानी कब तब आए नए मोड़ लेती है। उदाहरण स्वरूप हाल ही में आई डॉक्यूमेंट्री एलन वी फैरो। ये डॉक्यूमेंट्री मशहूर अमेरिकन फिल्म मेकर वूडी एलन के वैवाहिक और निजी जीवन के कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों पर विचार करती है। इस सीरीज के अंत तक आपको वूडी एलन जैसे महान कलाकार इससे घिरना होगा। इस टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अनुसार बूटी मिया फॉरो उनकी बेटी के साथ उनके रिश्ते पर कई सवाल खड़े किए गए, और तौरिस के बाद जब बूटी को ट्रोल किया गया, बूटी ने कहा कि ये टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री सीरीज पूरी तरह से वन साइडेड है। दोस्तों, इससे बूटी का यह मतलब है कि उन मोड़ों पर बात करते हुए बूटी का पर्सपेक्टिव को बूटी के बर्ताव के कारण या बूटी के मजबूरियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक ऐसा ही कुछ सुकान बत्रा के आने वाले फिल्म सर्चिंग फॉर शीला के साथ हो सकता है, क्योंकि दुनिया आज भी भगवान के जो हमारे हैं शीला और भगवान ओशा की साइड लेते हैं और माँ शीला को बुरी नजर से देखते हैं। मगर किसी भी कहानी के दो पहलू को परख कर ही ओपिनियन बनाना चाहिए। संजू की रिलीज के बाद कई लोगों ने संजय दत्त को हमदर्दी दिखाई। संजू को संजय दत्त के बारे में पब्लिक इमेज को साफ करने के लिए ही बनाया गया था। एज ए डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खुद कबूल किया था संजय दत्त की 3 शादियों के बारे में और अनन्या डार्क चीजों के छुपाया गया था ताकि फिल्म से ऑडियंस को व्हाइट वॉश किया जा सके। मगर यही तो फिल्म होती है, यही तो होता है डायरेक्टर्स के विजन का उद्देश्य, इसलिए ही तो फिल्में बनाई जाती है, एक नई दिशा दिलाने के लिए लोगों की सोच, वो सोच सोशल कॉज हो या रिश्तों पर ही कुछ सीखो। आदि पुरुष के लिए भी ठीक इसी तरह से कहा जा रहा है कि सीता माता के पर्सपेक्टिव से फिल्म की कहानी बताई जाएगी। लेकिन आपने अगर ओम राउत की पहली फिल्म देखी है तो आपको अंदाजा होगा कि ओम राउत ने कभी भी ऑडियंस को किसी भी किरदार के लिए हमदर्दी बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ फैक्ट को अपने तरीके से बताए। तान्हा जी में उनकी इस तरकीब की लोगों के लिए परेशान कर दी, लेकिन अगर उनका मकसद है सीता के पर्सपेक्टिव से कहानी बताना तो कहानी जरूर खूब दिलचस्प हो सकती है। कई बार हमारी फिल्मों में कहानियां सिर्फ एक मेल पर्सपेक्टिव से बताई जाती हैं, और अगर ये एक्शन एपिक फिल्म है फीमेल पर्सपेक्टिव से एक मेल पर्सपेक्टिव से बताई जाती हैं हमारे एक्शन एपिक फिल्म कहानियां, लेकिन अगर फीमेल पर्सपेक्टिव से बताई जाती हैं तो फिल्म में जरूर कुछ रिफ्रेशिंग हो सकता है। लेकिन इस फिल्म के कौन सी दूसरी फिल्म के साथ कॉम्पिटिशन टफ होता है?
क्या आदि पुरुष एक ट्रिलॉजी फ्रेंचाइज के रूप में बनने वाली है? क्या आदि पुरुष रामायण ट्रिलॉजी का पहला पार्ट होगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आदि पुरुष 2022 की सबसे मच अवेटेड फिल्म्स है, जिसकी कहानी हिंदुस्तानी सभ्यता और कल्चर के लोकप्रिय ग्रंथ रामायण के ऊपर आधारित होने वाली है। फिल्म की कहानी, सेटिंग, बजट कुछ भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है और फिल्म के सारे डिटेल्स पब्लिक के लिए एक राज है, सिवाय इस बात के कि इस फिल्म में भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और रावण के किरदार मौजूद होंगे। फिल्म में हनुमान, राम जी के अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न, वानर सेना और सुग्रीव, अंगद, जामवंत के किरदारों के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है, जिसका मतलब है कि फिल्म में इनका पार्ट ज्यादा नहीं होगा या फिर इनके पार्ट्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। अभी फिल्म होने वाली है ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की। पूरे रामायण को सिर्फ 3 घंटे में दिखाना असंभव है। अगर फिल्म के सिर्फ मेन पार्ट्स दिखाए गए तो उसके नरेशन में भी कमी रह जाएगी, कई सारे डिटेल्स भी जरूर छूट जाएंगे। अगर सीता हरण का इंसिडेंट दिखाया जाएगा तो उसका कारण है शूर्पनखा का नाक लक्ष्मण के द्वारा काटना। अभी लक्ष्मण के इस एक्शन के पीछे उनका उनके भाई के साथ रिश्ता अच्छे से दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए उनके लगाव को जस्टिफाई करने के लिए अयोध्या के शाही भवन को त्याग करने का एपिसोड भी दिखाना पड़ेगा। इसके लिए फिर दोनों इंसिडेंट्स दिखाने पड़ेंगे। पहला, वर्षों पहले दशरथ के द्वारा रानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों की अनुमति, और दूसरा, राम और सीता का विवाह। और अभी तक राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों की कास्टिंग की कोई खबर नहीं मिली है, जबकि पिछली बार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए पृथ्वीराज चौहान के रोल के लिए एक्टर का नाम अनाउंस कर दिया गया था, जबकि उनका भी फिल्म में मेन रोल नहीं था। और ये सब सिर्फ सीता हरण तक का है। फिर रावण के दूतों का राम और लक्ष्मण पर लगातार प्रहार, इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं का सर्वनाश, रावण पर प्रहार जैसी घटनाएं भी हैं। और रावण और राम के बीच का युद्ध बहुत इलेबोरेट होना चाहिए। 10 मस्तकों का आना, फिर नाभि पर निशाना करके तीर चलाना जैसे इवेंट्स एक बहुत लंबा सीन डिमांड करते हैं। इसलिए फिल्म को एक ट्रिलॉजी में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा निर्णय हो सकता है। एक पार्ट में ही रामायण का एक एक छोटे छोटा हिस्सा दिखाना, उसके बाद में एक किरदार की कहानी दिखाया जाना ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत साबित होगा। उदाहरण स्वरूप, पहले पार्ट आदि पुरुष में भगवान राम के नेत्र से कहानी दिखाई जाए, इसमें भगवान राम का जन्म, फिर उनके बालावस्था की कहानियां जैसे कि भगवान शिव का अयोध्या आना इत्यादि, मरीच और ताड़का का वध, सीता के साथ विवाह, परिवार के लिए संघर्ष और त्याग, फिर पत्नी की तलाश में जंगलों में भटकते जैसी घटनाओं को दिखाना काफी आवश्यक है। दूसरे पार्ट में सीता की कहानी और तीसरे में रावण की कहानी, और ऐसे में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स को अपनी सही जगह मिल सकती है। क्या आप गेस कर पाए हैं कि कौन सी किताब पर बेस्ड हो सकती है ये ट्रिलॉजी अगर बनी तो? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड। क्या वाकई में आदि पुरुष रामायण की कहानी को बॉलीवुड के अभिनेताओं के साथ बड़े पर्दे पर लाने वाली है, या फिल्म होने वाली है रामायण के कैरेक्टर्स पर बेस्ड एक और फिक्शनल कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ शिवानी शुक्ला। अब तक आपको बताया गया था कि आदि पुरुष की कहानी रामायण से प्रेरित है। रामायण के ऊपर अब तक कई शोज बन चुके हैं। दूरदर्शन पर 80s में आने वाली रामानंद सागर की रामायण, जिसमें अरुण गोविल और दीपिका चहल नजर आए थे, और 2000 में स्टार वन पर गुरमीत चौधरी और डेबोलिना भट्टाचार्य की रामायण बहुत प्रसिद्ध थी, और कई बार हिंदी टेलीविजन पर रामायण दिखाई जा चुकी है, मगर अभी तक कोई भी ऐसी पॉपुलर फिल्म नहीं बनी है जो पूरी तरह से रामायण पर आधारित हो। फिर ऐसा हो भी कैसे सकता है? भगवान राम के जन्म से लेकर उनकी परवरिश, उनके 14 साल के वनवास और फिर अयोध्या का राजा बनने तक का सफर सिर्फ
तीन घंटे के छोटे से समय में दिखाना थोड़े ही पॉसिबल होगा। फिल्मों में आज तक महाभारत की भी कुछ घटनाएं सारंगी जैसे फिल्मों में दिखाई हैं, पर पूरी महाभारत को एक फिल्म में उतार देना अब तक किसी डायरेक्टर के लिए पॉसिबल हो नहीं पाया। लेकिन महाभारत के फैमिली वॉर के थीम को जरूर बहुत डायरेक्टर्स ने यूज किया है, जैसे प्रकाश राज की फिल्म राजनीति को महाभारत के ऊपर बनाया गया था, जिसमें रणवीर कपूर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी और कैटरीना कैफ जैसी इलेस्ट्रियस कास्ट को लिया गया था। फिल्म को बहुत प्रशंसा मिली थी। लगता है कि रामायण के भी इस अडेप्टेशन आदि पुरुष के लिए भी ओम राउत को ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये इस तीन घंटे के छोटे से समय में रामायण जैसी एक पौराणिक ग्रंथ की कथा कैसे बताई जा सकती। अगर कहानी को सीता की आंखों से बताया जाए, हाँ तब जरूर ये कहानी थोड़ी छोटी और प्रभावशाली हो सकती है, मगर प्रभास को लेकर कहानी किसी और एक्टर के किरदार पर फोकस करना ठीक नहीं होगा। यहाँ पे एक सलूशन हम जरूर देना चाहेंगे, राइटर अश्विनी सांघे। अश्विनी सांघे ने अब तक कई बेस्ट सेलिंग बुक्स और नॉवेल्स लिखी हैं। उनके नॉवेल्स में मिथोलॉजिकल इवेंट्स को एक काफी अच्छा और बेहतरीन फिक्शनल ट्विस्ट मिलता है, जैसे कि उनकी किताब ले लीजिए द विष्णु वॉल्ट या फिर द कृष्णा की। मैं उनके थीम्स हमेशा किसी भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्णा की कहानी पर आधारित होते हैं, और जैसे द कृष्णा की में हमने देखा एक बच्चा अपने आप को कृष्णा ही समझ बैठता है और उसे लगता है कि भगवान कृष्ण की तरह उसका भी ये दायित्व है कि वो इस पूरी दुनिया से सारे खराब एलिमेंट खुद ही सर्वनाश कर दे, और ऐसे में वो एक सीरियल किलर बन बैठता है। ऐसे ही बड़े यूनिक तरीके से वो मिथोलॉजी और फिक्शन का इस्तेमाल करते हैं और खूब अच्छे से इसे फिल्म में उतारा जा सकता है, क्योंकि अश्विनी इंग्लिश में लिखते हैं तो जरूरत होगी एक ऐसे राइटर की जो ट्रांसलेट कर सके, ताकि दर्शकों को अंग्रेजी का मजा हिंदी में जरूर मिल जाए। प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग हाल ही में मुंबई के एक स्टूडियो में चल रही थी। उस दौरान करीब 200 लोगों का क्रू सेट पर मौजूद रहता था। हालांकि डायरेक्टर ओम राउत सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, प्रोड्यूसर शूटिंग रोकने के मूड में नहीं थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो राउत ने फिल्म से जुड़ी एक खास बात शेयर की है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को वो 3D टेक्निक से शूट कर रहे हैं। वेल, अगर आपको याद होगा तो तानाजी में भी हमने इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल देखा था। ओम राउत का कहना है कि उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर काम कर रहे हैं आदि पुरुष के लिए। 7000 साल पहले की पृथ्वी दिखानी है, ये विषय की मांग है, तो हमारा काम भी उस तरह से चल रहा है। संभवतः रावण दुनिया का सबसे मुश्किल किरदार है, इसके लिए मैंने सैफ को इसलिए चुना क्योंकि वो हर किरदार को पूरे पैशन के साथ करते हैं। रावण का किरदार नेगेटिव है और तानाजी में सैफ का किरदार भी नेगेटिव था, इसीलिए उन्हें यकीन था कि सैफ अली खान रावण के कैरेक्टर को बखूबी निभा सकेंगे। वेल, दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म की रिसर्च पर 19 साल का वक्त लगा है। 7000 साल पहले की पृथ्वी को दिखाना आसान नहीं है, हम वैसा माहौल बना नहीं पाएंगे। फिल्म को रियल लोकेशन पर भी शूट नहीं कर सकते, इसलिए कोई प्लानिंग रियल लोकेशन पर शूट करने की नहीं थी। मैं जिस तरह की स्क्रिप्ट और सीन लिखता हूं उसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग होती है, हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहे हैं। इस फिल्म को पहले दिन ही हमें स्टूडियो में शूट करने वाले थे, किसी भी बदलाव के साथ हम प्लानिंग और रुख नहीं बदल सकते। हालांकि कोरोना की वजह से स्टूडियो में शूट करना भी अब मुश्किल हो गया है। वेल, ओम राउत की बातों से ये कहां 7000 साल पहले की कहानी को फिर से रिक्रिएट करना, ये बहुत टफ है और इसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए। वेल, हमें बिलीव है, विश्वास है ओम राउत पे। ओम राउत आगे कहते हैं, मुझे हमेशा से इतिहास और माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियां या किरदार पढ़ते वक्त आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बचपन में नाना नानी से या बुजुर्गों से कहानियां सुनी हैं, उससे बहुत इंप्रेस रहा हूं। तो कई बार लगता है कि हमें इन बेहतरीन कहानियों को लोगों तक नए तरीके से पहुंचानी चाहिए। यही वजह है कि मुझे ऐसे विषयों पर काम करने की बहुत इच्छा रहती है। फिलहाल मैं आदि पुरुष पर ही फोकस कर रहा हूं और जल्द ही इसे पूरा करूंगा। वेल, इस पे हमें कोई शक नहीं है क्योंकि हमने ओम राउत का काम देखा है तानाजी में, तो हमें बिलीव है कि
ओम राउत आदि पुरुष को भी एक नए लेवल पर लेकर आएंगे, जो कि एक अलग कहानी बनाएगी, चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो या फिर दुनिया में। वेल, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत का उनके एक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आखिर क्या कहना है, और कितने खुश या नाखुश हैं वो अपने एक्टर्स के लुक्स को सीक्रेट रखने में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आदि पुरुष बेस्ड हो सकती है अमीश त्रिपाठी की रामायणा ट्रायलॉजी के पहले अध्याय रामा द स्किन ऑफ इक्ष्वाकु पर। किताब में ही अमीश त्रिपाठी ने कड़ी मेहनत के साथ अयोध्या, लंका और जंगलों को बहुत ही बारीकी से डिस्क्राइब किया है। पढ़ने के दौरान ही आपको महसूस होगा कि आप अयोध्या के राजमहल में एक व्यक्ति हैं। चलिए अब आप अपने आप को महामंत्री मान लीजिए और आप जैसे वहाँ घट रही सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जैसे आप जंगलों में उड़ता हुआ कोई पक्षी हैं। अभी जटायु नहीं समझ लेना अपने आप को। और आप वनवास में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को अच्छे से देख रहे हैं, और जैसे आप लंका में कोई एक राक्षस है। अरे बुरा मत मान लीजिए, अगले जन्म में ऋषि बन जाते हैं आप। मानिए आप वहाँ राम जी के खिलाफ चल रही साजिशों को जीते जागते अनुभव कर रहे हैं। इतनी बारीकियां कि अयोध्या के महलों में दियों की घी की खुशबू भी आप सूंघ सकते हैं, और जंगलों में जानवरों के चाल चलन को भी महसूस कर सकते हैं। अब जब सेटिंग में ही इतनी बारीकी लगाई गई है, तो किरदारों के एक्शंस को भी बारीकी से ही समझाया गया है। कौन सा किरदार कौन से पल में क्या सोच रहा है, कितने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है और कितने छुपा रहा है, ये सब अच्छे से दिखाया गया है। साथ ही साथ किरदारों के फिजिकल अपीयरेंसेस में भी बदलाव को भी काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। कैसे महलों में वर्षों वर्ष रहने के बाद जंगलों में रहने से फिजिकैलिटी बदल जाती है, और फिर वापस आने पर 14 साल के बाद कैसे दिख रही हैं, ये सभी को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अब राम जी के किरदार में प्रभास और लंकेश रावण के किरदार में सैफ को जस्टिस देने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आखिर क्या प्लान्स है मेकर्स का फिल्म आदि पुरुष में हनुमान जी के किरदार के लिए? क्या 21वीं सदी के हनुमान जी होंगे टेक्नोलॉजी से भरपूर? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं निष्का त्यागी। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को, ताकि दोस्तों हम जब भी आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आप उनको सबसे पहले जान पाए। तो दोस्तों हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, हनुमान जी का दुनिया भर में अलग ही फैन बेस है। फिल्म में उनका पार्ट इंक्लूड किया जाए या नहीं, उनके भी अपने कई सारे भक्त हैं, जो हर मंगलवार को नारंगी रंग का टीका लगाकर उनका नाम जपते हैं नहाने के बाद। हर शाम हनुमान चालीसा पढ़ने से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। सिर्फ हनुमान जी के ऊपर ही कई सारे शोज और फिल्में बनी है। पवन पुत्र हनुमान, हनुमान चालीसा जैसे टीवी शोज के साथ साथ मारुति मेरा दोस्त जैसी फिल्में, और हनुमान हनुमान रिटर्न्स जैसी सुपरहिट एनिमेटेड फिल्में भी तो हैं बच्चों को हनुमान जी की शक्ति के बारे में बताने के लिए। सबसे ताजुब की बात तो ये है कि हनुमान रिटर्न्स के मेकर थे अनुराग कश्यप, जो अक्सर डार्क और सीरियस बॉलीवुड फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। उनको भी हनुमान जी का आइडिया इंटरेस्टिंग लगा था, और ये बहुत ही अनलाइकली है कि रामायण के सब्जेक्ट पर बन रही फिल्म में हनुमान जी को एक्सक्लूड किया जाएगा, जबकि कई जगहों पर कहा जाता है कि हनुमान जो कि वायुदेव के पुत्र हैं, दरअसल भगवान शिव का ही एक अवतार हैं, और उनको धरती पर भेजा गया था विष्णु भगवान के अवतार रामचंद्र के मिशन को पूरा करने की सहायता देने के लिए। और दोस्तों असलियत में भी तो वही हुआ था, हनुमान जी के बगैर ना कभी सीता माता जान पाती कि राम जी उन्हें ढूंढ रहे हैं, ना राम जी जान पाते कि सीता लंका में कैसी हैं, ना रावण के महल में आग लगती, और ना ही राम जी का मकसद पूरा हो पाता। हनुमान जी का रोल करके दारा सिंह जी बहुत मशहूर हो गए थे। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया है, मगर लोग हमेशा से ही उन्हें टीवी के हनुमान के रूप में याद करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिर अगले कुछ सालों में भी बहुत बार रामायण दिखाई गई, मगर हनुमान का किरदार निभा रहे एक्टर्स इतने पॉपुलर नहीं हो पाए।
तब एक्टर्स को मेकअप के साथ साथ पूछ के लिए कुछ प्रॉप्स और बॉडी बिल्डिंग के साथ हनुमान बना दिया जाता था। फिर जब एनिमेटेड फिल्में बनी तो सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए ही फिल्म को खत्म कर दिया गया। हालांकि ये और भी डिमांडिंग टास्क है, मगर दोस्तों इस बार कोई एनिमेटेड अवतार नहीं दिखाया जाएगा। ये बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है क्योंकि हनुमान जी को रियल दिखाने के साथ ही उनके क्रिएशन को किसी तरह का कैरिकेचर नहीं बनाना चाहिए, वरना लोग यानी कि जनता भड़क जाएगी और फिल्म पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों कोई एक्टर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जन्म लेंगे वायु पुत्र हनुमान। देखते हैं वॉइस ओवर के लिए किसे लाया जाएगा। तो दोस्तों आप भी कुछ नाम सजेस्ट कीजिएगा जिसकी आवाज हनुमान जी के किरदार को आदि पुरुष में जस्टिस दिला सकेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर। क्या आदि पुरुष को फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाने का अंजाम सही होगा? क्या इस बार श्री राम नहीं सीता की कहानी दिखाई जाएगी? क्या होने वाली आदि पुरुष की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जार। दोस्तों कई बार सिनेमा पर इल्ज़ाम लगा आया है कि फीमेल कैरेक्टर्स और उनकी जो बैक स्टोरी होती है उसे अच्छे तरीके से नहीं दिखाया जाता। हॉलीवुड की बात की जाए तो हॉलीवुड की क्वीन मेरिल स्ट्रीप ने एक बार कहा था कि 1995 में जब उनकी एक फिल्म आई थी तो उसमें उन्हें डायरेक्टर ने इसीलिए नहीं लेने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई थी, मतलब कि वो 45 साल की थी उस वक्त, जबकि फिल्म का जो एक्टर था वो 65 साल का था। लेकिन एक्टर को लेने, हीरो को लेने के लिए तैयार हो गए, हीरोइन को 45 साल की थी इसीलिए मना कर दिया। लेकिन बाद में वो इस फिल्म में रही और ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। तो हॉलीवुड में भी यही सिचुएशन है, जबकि बॉलीवुड में ये कहीं बेहतर है, हमें लगता है कि हॉलीवुड में नहीं है लेकिन सब जगह ऐसा है। अब बॉलीवुड की बात की जाए तो रेखा, श्रीदेवी, नूतन जैसी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी एज में भी काम किया, जैसे कि इंग्लिश विंग्लिश में काम किया है, सुपर नानी में रेखा ने किया है, चालबाज हो गई, तो फिर भी हम एक स्टेप आगे हैं। मगर ये बस कुछ गिने चुने नाम है। हालांकि 2012 में विद्या बालन की फिल्म आई थी द डर्टी पिक्चर, जिन्होंने अकेले ही इस फिल्म में कमाल कर दिखाया था, लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग उन्हें हीरो बुलाने लगे। और ये बात भी गलत है, हीरो क्यों बुलाना भाई, हीरोइन भी तो बुला सकते हैं और हीरो के नाम पे ही फिल्म बिकती है हमें ऐसा लगता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये तो फिल्म की हीरोइन नहीं हीरो था, तो ये चीज़ भी गलत है। उसके बाद क्वीन के साथ कंगना रनौत ने जो किया वो तो आप सब जानते हैं। फिर कहानी में विद्या बालन आई, एनएसटेन में अनुष्का शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया था और ये प्रूव किया था कि बिना हीरोइन के भी फिल्म अच्छी हो सकती है। आप देखिए डियर जिंदगी में जब शाहरुख खान थे तो आलिया भट्ट के साथ ये फिल्म बनी और ये फ्लॉप हुई, लेकिन जब राजी में उन्होंने आलिया भट्ट ने जो किरदार किया वो छाक गया, तो फिर वहाँ से पता चला कि हीरोइन भी बहुत कुछ कर सकती है। अब साउथ के फैंस जो होते हैं वो अपने स्टार्स को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं। साउथ फिल्म में रुद्रमणि देवी जो फिल्म थी उसमें अनुष्का शेट्टी थी और फिल्म में अर्जुन का, जो अल्लू अर्जुन है, उनका एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन ये फिल्म भी सुपर हिट हो गई, तो उन्होंने तो वही प्रूव कर दिया कि हीरोइन जो होती है, फीमेल सेंट्रिक फिल्म जो होती है वो भी सुपर हिट हो सकती है। अब बात करें आदि पुरुष की तो ये जो फिल्म है इसमें कीर्ति सेनन नज़र आने वाली है, एज अ सीता का किरदार करेंगी और कहा जा रहा है कि आजकल वो द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स पढ़ रही हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। और आपको अगर पता हो तो इसमें एक फीमेल सेंट्रिक कहानी है, यानी कि अब हो सकता है कि पूरी जो आदि पुरुष की कहानी है वो सीता पर ज़्यादा बेस्ड हो, ना कि श्री राम पर। सीता का किरदार ज़्यादा दिखाया जाएगा, तो क्या आप इस चेंज के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि अगर ये होता है तो ये फिल्म उतनी ही सक्सेसफुल होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वेट हो रहा आदि पुरुष का ये भी बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। क्यों शेयर नहीं किया गया आदि पुरुष का पोस्टर शेड्यूल डेट पर? क्या मुसीबतें आई मेकर्स पर? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। तो दोस्तों, हमने आपको कई हफ्तों पहले एक खास अपडेट दिया था, एक बहुत ही डिटेल वीडियो में हमने आपको बताया था जिसमें कि आदि पुरुष के पोस्टर रिलीज, टीजर रिलीज, ट्रेलर रिलीज और फिर आखिर में फिल्म रिलीज तक की मेजर अनाउंसमेंट के शेड्यूल को बताया था।
उसमें से अब तक मेकर्स की तरफ से एक चीज हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार मैच भी कर चुकी है, वो थी पोस्टर रिलीज डेट। हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि सबसे पहले कि आगामी फेस्टिवल्स में से रामनवमी के शुभ अवसर पर आदि पुरुष का पोस्टर रिलीज हो जाएगा और ये पोस्टर सिर्फ प्रभास को फीचर करने वाला था। आदि पुरुष का एक एनिमेटेड पोस्टर रिलीज हो चुका है, उसमें एक बड़ा सा लेटर ए है जिसके अंदर ही हनुमान, रावण और राम के किरदार नजर आ रहे हैं। उस ए में जैसे अग्नि दिखाई गई हो या फिर आग लगने वाला एक इल्यूजन दिखाया गया हो, उसी आग के बीच हनुमान टॉप राइट हैंड साइड में, लेटर ए के ब्रिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में भगवान राम धनुष में तीर छोड़ने के जस्ट पहले वाले मोमेंट पे, और लेटर ए के नीचे वाले हिस्से में रावण के 10 सिर का पिक्चर है। ये बस एक इमीडिएट पोस्टर था, यानी कि जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तभी इस पोस्टर को रिलीज किया गया था एक प्रॉपर अनाउंसमेंट के लिए। मगर ये कोई एनिमेटेड फिल्म तो होने नहीं वाली, इसमें राम, रावण, सीता, लक्ष्मण के रोल्स के लिए एक्टर्स लिए गए हैं और एक्टर्स वॉइस डबिंग नहीं बल्कि पूरे इलेबोरेट सीन्स शूट करने वाले हैं। और जो पोस्टर रामनवमी में आने वाला था उसमें प्रभास का भगवान राम के भेष में लुक भी रिवील होने वाला था। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अनुसार ओम राउत प्रभास के लुक को जनता से छुपाना चाहते हैं। ये आसान भी बहुत है क्योंकि प्रभास का सोशल मीडिया इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं है और प्रभास ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं देते, जिसकी वजह से प्रभास अभी इस वक्त कैसे दिख रहे हैं किसी को नहीं मालूम। बाद में रावण, सीता माता और लक्ष्मण का लुक उनके लिए सेपरेट पोस्टर में रिलीज होने वाला था, मगर रामनवमी में पोस्टर रिलीज नहीं हुआ। कारण ये हो सकता है कि कोरोना वायरस के दूसरे वेव के आने से फिल्म की शेड्यूल टाइम से पीछे चल रही हो प्रोग्रेस, या फिर फिल्म के पोस्टर डिजाइनिंग के लिए वक्त ना मिला हो। हालांकि ओम राउत ने अभी ही बोला था कि आदि पुरुष की शूटिंग चल रही है और ओम सारे प्रिकॉशंस अच्छे से ले रहे हैं। अफवाह तो ये भी आई थी कि सेट के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, मगर ओम ने इन सब खबरों को झूठा बताया। तो कारण यही है कि पोस्टर अभी जल्दी रिलीज कर लेने से एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और शायद कोरोना वायरस की वजह से रिलीज भी पोस्टपोन करनी पड़े, और इसके लिए थोड़ा और एक्साइटमेंट मेंटेन करना तो बहुत ही जरूरी है। आपको क्या आदि पुरुष कॉन्ट्रोवर्सीज के तीरों की बरसात के बाद एक बार फिर से ये कॉन्ट्रोवर्सी में घिरने वाली है? क्या होने वाली आदि पुरुष की खास बातें और कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। आदि पुरुष एक माइथोलॉजिकल फिल्म है और फिल्म हिंदू एपिक रामायण के ऊपर बेस्ड है। फिल्म में प्रभु राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण के किरदार दिखाए जाएंगे। ये किरदार एक्टर्स प्ले करेंगे जिनका अतीत में कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ नाम जोड़ा गया हो। फिल्म में रावण का किरदार भी दिखाया जाएगा जिसको सैफ अली खान प्ले करने वाले हैं। वहीं ये एक बार फिर से, पहले तो कॉन्ट्रोवर्सी में घिरी थी सैफ अली खान के बाद, लेकिन कई रिलीजियस ग्रुप भी ऐसे हैं अक्सर जो ऐसी फिल्मों जब बनने वाली होती है तो उसके पहले इन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ऐतिहासिक चीज़ों से छेड़छाड़ की गई है और इसमें CBFC यानी कि जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो भी पीछे नहीं रहता, सेंसर बोर्ड भी कट्स लगाता है, वो भी फिल्मों पर कई बैंस इशू भी लगाता है। अगर किसी पीरियड फिल्म में राजा और रानी के बीच इंटीमेट सीन्स हो या फिल्म में देवता और देवी के बीच इंटीमेट सीन्स हो तो ये बात CBFC को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। शायद उन्हें हमारे देश में बनने कई मंदिरों की सैर कराने की ज़रूरत है। और अगर पीरियड फिल्में छोड़िए, कई बार कुछ अच्छे सिनेमैटिक और कंटेम्प्रेरी फिल्मों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। 2017 में आई लिपस्टिक एक ऐसी फिल्म थी, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, इसको भी बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें फीमेल्स को वल्गर रूप में दिखाया गया था, ऐसा CBFC का मानना था, जबकि फिल्म में सिर्फ फीमेल पर्सपेक्टिव से कैसे इंटीमेट सीन्स और रोमांस होता है ये दिखाया गया था। मगर CBFC को मस्ती ज़्यादा जैसी वाहियात सेक्स कॉमेडी को सर्टिफिकेशन देने से कोई दिक्कत नहीं हुई, जिसमें डायरेक्टली फीमेल्स को वल्गर तरीके से दिखाया गया है। इसलिए जब मणिकर्णिका बनाई गई थी तब फिल्म में हिस्टोरिक फैक्ट्स को बिना बदले दिखाया जाना पर फोकस किया गया था,
अक्सर फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए कई सारे सीन्स फिक्शनली ऐड किए जाते हैं, ड्रामेटाइज किया जाता है, मगर क्योंकि अभी अभी अपॉइंट किए गए CBFC चीफ प्रसून जोशी ही फिल्म मणिकर्णिका के राइटर थे, इसीलिए फिल्म को कोई बैकलैश फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल देख चुके हैं, पद्मावत के साथ ऐसा हुआ था जब इसको बैन करने और इसमें जो सीन्स थे वो हटाने की बातें की गई और बहुत सारी कंट्रोवर्सी से इसे जूझना पड़ गया था। अब आदि पुरुष बनने जा रही है और आदि पुरुष भी ऐसे ही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ऊपर से इसमें सीता माँ की तरफ से ये पूरी कहानी दिखाई जाएगी। अब देखना होगा कि क्या क्या कंट्रोवर्सी में फंसती है ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में। किरदार इंक्लूड करने से फिल्म की क्वालिटी और भी बेहतर हो सकती है। कौन से एक्टर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तब आप ही वो सबसे पहले जान पाए। आदि पुरुष होने वाली है रामायणा की सिनेमैटिक एडेप्शन। रामायणा के कई फैसिनेटिंग किरदार हैं। हमारे भारत वर्ष के सबसे आइकॉनिक एपिक्स में से एक रामायणा में एक से बढ़कर एक किरदार है। सारे किरदारों के ऊपर अलग अलग कहानियां और ग्रंथ लिखे गए हैं। मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी साहित्य में ही अमीश त्रिपाठी ने एक रामचंद्र ट्रिलॉजी लिखी है जिसमें उनके तीन भाग है, रामा द स्कैन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला एंड रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त। फिर सीता पर अलग किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि चित्रा बनर्जी द्वाकुरुणी के द्वारा लिखी गई द फॉरेस्ट ऑफ एंचेंटमेंट्स। लेकिन अगर गौर से देखें तो रामायण कई अन्य सपोर्टिंग किरदारों के बगैर कभी बनती ही नहीं, जैसे कि अगर सुमित्रा देवी ना होती तो लक्ष्मण ना होते तो सुरपनखा की नाक नहीं काटी जाती और माता सीता का हरण और रावण का वध भी ना होता। राजा जनक ना होते तो सीता माता ना होती, अगर वो नहीं होती तो रामायणा ही नहीं होती। तो वैसे आप देख रहे हैं कि कैसे ये किरदार जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई उनका रामायण की कहानी के गति पर क्या फर्क पड़ सकता है। और ऐसा ही एक पावरफुल और अंडररेटेड किरदार है महारानी मंदोदरी का। महारानी मंदोदरी राजा रावण के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। हर कामयाब और बड़े राजा के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा और साहस का सोर्स उसकी प्रजा नहीं बल्कि उसकी रानी होती है। जैसे अकबर के लिए बेगम रुकैया, जहांगीर के लिए नूरजहां और शाहजहां के लिए मुमताज महल, वैसे ही रावण के लिए महारानी मंदोदरी थी। महारानी मंदोदरी का जिक्र रामानंद सागर के रामायणा में हुआ था जिसमें उनके किरदार के लिए अपराजिता भूषण को लिया गया, जो टेलीविजन और फिल्म की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। उस किरदार के लिए साहस, दया, प्रजा की समस्याओं के लिए एक विचारधारा होना बहुत जरूरी है। और अगर इस किरदार के लिए हम एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में ढूंढेंगे तो विद्या बालन का नाम आता है दिमाग में, जो दिखने में भी अपराजिता भूषण जैसी ही। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विद्या भी ये किरदार तब तक नहीं करेंगी जब तक किरदार को अच्छे से लिखा नहीं जाता या फिर किरदार का स्क्रीन टाइम बहुत छोटा हो। तो इसलिए 90s के एक्ट्रेस माधो जो कुछ महीनों में ही कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी में नजर आएंगी उनके लिए जा सकता है, या फिर एक्ट्रेस दिव्या सेठ जो टेलीविजन की एक जानी मानी हस्ती हैं, या फिर सबके पसंदीदा भाभी रेणुका सहानी जो इस किरदार में खूब लवली लगेंगी। आप हमें बताइए कि इस किरदार के स्क्रीन टाइम और इंटेंसिटी के अनुसार सबसे फिट एक्टर कौन रहेंगे जो कम टाइम में अच्छे से डिलीवर कर सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय सेश्रेष्ठ दास। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने पूरे देश को अपनी जकड़ में ले लिया है। बड़े महानगरों से लेकर छोटे गांव समेत सभी जगह इस महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में से एक है जहां कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस कारण सरकार ने फिल्मों और टीवी सीरियल शोज की शूटिंग पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम की वजह से आदि पुरुष की शूटिंग लगातार इफेक्ट हो रही है। सैफ अली खान, प्रभास और कृति सैनन स्टारर आदि पुरुष का दूसरा शेड्यूल कुछ ही दिनों पहले शुरू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया। राज्य के हालात देखते हुए अब मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में पूरी करने का फैसला किया है। मिड डे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर शूटिंग लोकेशन को मुंबई की जगह हैदराबाद में शिफ्ट करने का फैसला किया है। ओम राउत ने हैदराबाद में लोकेशन तलाश ली है जहां सभी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए शूटिंग पूरी की जा सकती। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहता है
तो सभी कलाकार यानी कि सभी एक्टर्स 15 मई से आदि पुरुष की शूटिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि आदि पुरुष की शूटिंग पूरी होने में अभी काफी वक्त है। टीम को लगभग 90 दिनों का काम बाकी है। ओम राउत ने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर हैदराबाद में लोकेशन तलाश ली है, जहां आगे की शूटिंग पूरी की जाएगी। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा स्टूडियो में शूट होगा, जिसमें बाद में VFX टीम की मदद ली जाएगी। फिल्म आदि पुरुष की टीम रोज बात कर रही है कि शूटिंग को समय पर कैसे खत्म किया जाए, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। वेल दोस्तों, देखा जाए तो इस समय क्या चल रहा है पूरे देश में हम सभी जानते हैं। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लेना एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये जो दूसरी लहर है काफी खतरनाक है। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं होगा, क्योंकि हम आए दिन न्यूज में सुनते रहते हैं कि किसी न किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को कोरोना हुआ है। अब ऐसे में अगर प्रभास की टीम आती है, फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, तो काफी इन्हें ध्यान से और बचकर फिल्म के लिए काम करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा। वेल, आपकी क्या राय कि शूटिंग शुरू करनी चाहिए इस समय, इस दौर में या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। किस फॉर्मेट में बनने वाली है आदि पुरुष, हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? मैं फ्रैंक आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं, तब आप वो सबसे पहले जान पाए। तो दोस्तों, हमें पता चला है कि आदि पुरुष कौन से फॉर्मेट में बनने वाली है। दोस्तों, आपको हमने बहुत बार बताया है कि किन किन पॉसिबल वेज में रामायणा की इस सिनेमैटिक अडेप्शन को बनाया जा सकता है। जैसे कि एक वे था कि इसको एक ट्रायलॉजी में कन्वर्ट करने का। इससे रामायणा के तीन प्रिंसिपल कैरेक्टर्स भगवान श्री राम, माता सीता और रावण राज को स्पेस मिल पाता अपने कैरेक्टर को अच्छे से पर्दे पर दिखाने के लिए। इसके लिए एक रेफरेंस बुक भी हमने सजेस्ट की थी, जैसे कि अमीश त्रिपाठी की रामचंद्र ट्रायलॉजी, जिसके पार्ट थे रामा द स्पायन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला और रावण द एनिमी ऑफ आर्यावर्त। फिर एक और सजेशन दिया था कि कैसे फिल्म फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाया जा सकता है, क्योंकि अभी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ फिल्में बन रही है। उसके लिए चित्रा बनर्जी देवर कुरुनी की किताब द फॉरेस्ट ऑफ एंचेंटमेंट सजेस्ट की थी, जिसमें प्योर रामायणा को सीता के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। फिर हमने ये भी सजेस्ट किया कि अश्विन सांगे की किताब द विष्णु वर्ल्ड और द कृष्ण की से इंस्पायर्ड हो सकती है फिल्म, जिसमें असल रामायणा दिखाने की बजाय रामायण से लिंक्ड एक कलयुग की कहानी दिखाई जा सकती है। इन सभी में से हमें अमीश की किताब वाली प्रेडिक्शन सबसे सही लग रही थी, क्योंकि फिल्म के लिए सिर्फ रावण, सीता और राम के कैरेक्टर्स के लिए ही एक्ट्रेस की अनाउंसमेंट की गई है। लक्ष्मण के लिए भी की गई है, मगर हनुमान जी और लक्ष्मण जी का कहीं कोई नाम ना लिया, जिससे पता चलता है कि शायद हनुमान जी की तरह लक्ष्मण जी का किरदार भी फिल्म में ज्यादा स्क्रीन टाइम ना ले पाए। मगर अब हमें कुछ और लग रहा है, हनुमान जी के बिना रामायण पूरी तरह से अधूरी रह जाएगी, क्योंकि वही तो है भगवान श्री राम के परम भक्त, जिनका पृथ्वी पर आने का कारण ही था राम जी की सहायता करना रावण के वध में। अब लग रहा है कि मेकर्स के प्लान्स कुछ इस प्रकार है। दरअसल रामायण में इस बार हनुमान जी की दृष्टि दिखाई जाएगी। हम सबको मालूम है कि दुनिया में कुछ लोग अमर रहे हैं और उनमें से एक है हनुमान जी। हनुमान जी की खोज में निकले कुछ हिस्टोरियंस को उनका पता चल जाता है। फिर जब वो हनुमान जी को पूछते हैं कि क्या रामायण दरअसल सत्य है, तब ही हनुमान जी अपने नेत्रों से रामायण की घटनाओं को याद करके दोहराते हैं। इसलिए कई बार सीन्स में पानी जैसे बह गया हो स्क्रीन से, वैसे दिखेगा। उसका मतलब ये कि हनुमान जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अब अंत में ये कहानियां वो हिस्टोरियंस दुनिया को बताकर साबित कर पाते हैं कि नहीं, वो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। ऐसे ही सब्जेक्ट लेकर अक्षय कुमार भी आ रहे हैं एक फिल्म लेकर। फिल्म का नाम पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना। स्क्रिप्ट रिटन बाय श्रेष्ठ दास। रावण के विरुद्ध जो सर्व है क्या
कोरोना में भी नहीं रुकेगी आदि पुरुष की शूटिंग। प्रभास कृति सेनन की इस फिल्म का बजट क्या है, कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग में विराम लग गया है। खासतौर पर महाराष्ट्र में फिल्म की शूटिंग पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है। ऐसे में कई टीवी शोज और फिल्मों की शूटिंग के लिए अब मुंबई के बाहर का रास्ता देखा जा रहा है। देखा जाए तो मेगा बजट फिल्मों की पूरी प्लानिंग खराब ना हो, इसे देखते हुए मेकर शूटिंग को लेकर योजना बना रहे हैं। 300 करोड़ से भी ज्यादा बजट की फिल्म है आदि पुरुष, जिसमें प्रभास है, कृति है, सैफ अली खान है और बॉलीवुड से बड़े बड़े सितारों की एंट्री इस फिल्म में होने वाली है। एक वेबसाइट की खबर के अनुसार 15 मई के बाद हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग का आगाज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फिल्म के 60 दिन का काम पहले हो चुका है, लेकिन इसके लिए पूरी फिल्म 150 दिनों तक शूटिंग करने वाली है, जो कि अभी बाकी बचा है। इससे पहले मुंबई के भिन्न स्टूडियोज में फिल्म के 60 दिनों का लॉकडाउन जो था, लगने से पूरा पहले ये काम ख़त्म होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में कोरोना की पूरी सावधानी के साथ अब इस शूटिंग को जारी किया जाएगा। 3 महीने से अधिक इसकी शूटिंग जारी रह सकती है। इसे देखते हुए प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन भी हैदराबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। कोरोना टेस्ट के साथ पूरी टीम फिर से आदिपुरुष की शुरुआत करेगी। स्पेशल इफेक्ट्स और VFX के सहारे सैफ अली खान को 8 से 9 फुट का दिखाया जाएगा। इसके साथ प्रभास को भी राम के लुक में विशाल दिखाया जाएगा। इस फिल्म में तगड़ा VFX इस्तेमाल होने वाला है। सैफ अली खान रावण बनने वाले हैं, वहीं प्रभास बनेंगे राम और कृति होंगी सीता। वहीं लक्ष्मण के किरदार के लिए कहा जा रहा है कि विकी कौशल इसमें लक्ष्मण हो सकते हैं। इससे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी नाम आ रहा था, लेकिन अब विकी की तरफ से घूमी है और हो सकता है कि विकी इसमें लक्ष्मण हो। आदि पुरुष का बजट 350 से 400 करोड़ के बीच होने वाला है, जो कि अपने आप में ये साबित करता है कि स्क्रीन पर फिल्म का स्केल क्या होने वाला है। इस फिल्म को 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, जो कि कोरोना के बाद रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। आदि पुरुष फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम के साथ अन्य लोकप्रिय भाषाओं में डब की जाएगी। इसके साथ सैफ अली खान और प्रभास के बीच सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म को सीता की कहानी दिखाया जाएगा, यानी कि सीता के चरित्र को ज़्यादा फिल्म में दिखाया जाना है। अब देखना होगा कि ये फिल्म कितना धमाल मचा पाएगी, कितना लोग इस फिल्म को देखने थिएटर्स में लौटेंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में, कितना इंतज़ार है आदि पुरुष का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राम। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष पैन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में कृति सेनन सीता, सनी सिंह लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। बीते दिनों आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आदि पुरुष में विभीषण की भूमिका के लिए कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप को चुना गया है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने इन अफवाहों पर अपना रिएक्शन दिया है। इंटरव्यू में किच्चा सुदीप से प्रभास अभिनीत फिल्म में विभीषण यानी कि रावण का छोटा भाई की कैरेक्टर निभाने की अफवाहों के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, आदि पुरुष टीम ने मेरे मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन मैं अभी तक उनसे पर्सनली नहीं मिला हूँ, चर्चा चल रही है। वेल दोस्तों, देखा जाए तो सुदीप ने इस मैग्रम ऑप्स का हिस्सा होने की रिपोर्ट ना तो उन्होंने पुष्टि की, ना तो हाँ किया और ना ही मना किया। वेल इसका मतलब क्या है कि क्या वो फिल्म में विभीषण के कैरेक्टर में नजर आएंगे या नहीं, ये तो जब मेकर्स अनाउंसमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। वेल दोस्तों, बातें चल रही है, इसका मतलब कुछ तो अफवाहों में सच है और हो सकता है कि विभीषण के कैरेक्टर के लिए सच में सुदीप किच्चा को अप्रोच किया जा रहा हो। हो सकता है कि बात आकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर आकर फंसी हो। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मार्च के एंड में मुंबई में की जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद से फिल्म की शूटिंग मुंबई में रोक दी गई और सारा सेट दोबारा से हैदराबाद में तैयार किया गया। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 15 से शुरू हो सकती है लॉकडाउन के बीच और कोविड के बीच में। आपको बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं ओम राव, जिन्होंने तानाजी जैसी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। ये फिल्म भूषण कुमार, कृष्णा कुमार और प्रशांत सुतार के साथ टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फाइल्स बैनर के तहत प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है।
ये फिल्म 11 अगस्त 2022 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि इसे तेलुगु और हिंदी में शूट किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो बाकी की जितनी भी लैंग्वेजेस है उनमें डब किया जाएगा। किच्चा सुदीप आखिरी बार बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और साई मांजरेकर लीड रोल में नजर आई थी। अब फिल्म में सुदीप ने विलन का किरदार निभाया था। अब क्या वो फिर से आदि पुरुष में विलन का किरदार निभाएंगे या नहीं, ये तो नेक्स्ट अपडेट में पता चली जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। प्रभास की आदि पुरुष में हो चुकी है किच्चा सुदीप की एंट्री। कौन सा किरदार निभाने वाले इस फिल्म में, क्या होने वाली है आदि पुरुष की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआल। काफी समय से सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चा चल रही थी। इस फिल्म से एक के बाद एक कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इस समय जो खबर सामने आई है वो कन्नड़ फैंस के लिए काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि उनके सुपरस्टार की एंट्री भी इस फिल्म में हो चुकी है। पता चला है कि सुपरस्टार किच्चा सुदीप भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और रावण के छोटे भाई विभीषण का किरदार वो प्ले करेंगे। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खुद किच्चा सुदीप ने इस बात पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, लेकिन टीम मेरे मैनेजर से लगातार इस बारे में बात चल रही है, अभी विचार ही चल रहा है, हालांकि अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। किच्चा सुदीप का ये बयान भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और किच्चा के जो फैंस हैं वो तो उछल पड़े हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में रावण के रोल के लिए अभिनेता सैफ अली खान नज़र आने वाले हैं, जो कि एक दमदार कलाकार है। नेगेटिव किरदार हाल ही में जिन्होंने निभाए हैं वो काबिले तारीफ है। वहीं हाल ही में फिल्म तानाजी में उन्होंने नेगेटिव रोल करके सबका दिल जीत लिया। सीता के रोल की बात करें तो इस फिल्म में कृति सेनन सीता बनने वाली है। हाल ही में प्रभास का राम अवतार का पोस्टर सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा था, जिसे फैंस द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। अब फैंस प्रभास के लुक को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। 400 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है ये फिल्म। और आपको बता दें, फिल्म में मल्टी स्टार नजर आएंगे। रामायण को एक बार फिर से फैंस को नए अंदाज में दिखाया जाएगा। सुपरस्टार प्रभास इसके पहले फिल्म साहो में नजर आए थे और ये भी काफी बड़े बजट की फिल्म। वहीं दोस्तों, बाकी किरदारों की बात करें तो विकी कौशल का नाम भी सामने आ रहा है। विकी कौशल इस फिल्म में लक्ष्मण बन सकते हैं। साथ ही अनन्या पांडे का भी जिक्र हो रहा है फिल्म के लिए, लेकिन वो कौन सा रोल निभाएंगी ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। प्रभास की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो राधे श्याम से धमाल मचाने को तैयार है। प्रभास 21 आने वाली है, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं आदि पुरुष का, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि किच्चा की एंट्री से आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें लिख डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, दिप्श में सैफ की मौजूदगी लोगों को रास क्यों नहीं आ रही, क्यों ट्रोल हो रहे हैं सैफ और क्या होने वाली आदि पुरुष की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। आदि पुरुष में आपको पता होगा कि सैफ अली खान होने वाले हैं, रावण का रोल वो प्ले करने वाले हैं। डायरेक्टर ओम राउत की पहली पसंद ही सैफ अली खान थे। आपको याद हो, ओम राउत ने अपना डेब्यू तानाजी द अनसंग वॉरियर से किया और इस फिल्म में सैफ अली खान ने नेगेटिव किरदार किया था। तभी से उन्होंने सोच लिया कि आदि पुरुष में भी वो सैफ को ही लेंगे। अपने 30 साल के लंबे करियर में सैफ ने हमेशा हटकर रोल किए, लेकिन जब से उन्होंने सेक्रेट गेम्स और कुछ नेगेटिव शेड्स किए, तब से लोग भी उन्हें सीरियस लेने लग गए। सैफ जो अक्सर अपनी बॉय नेक्स्ट टू डोर वाली इमेज के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कई बार करियर के पहले ही बीइंग साइरस दिल चाहता है जैसे फिल्मों में रिस्क लेने के बारे में सोचा है। फिर 2013 के बाद शेफ, कालाकंदी, बाजार जैसी फिल्मों से उन्होंने धमाका मचाया और उसके बाद आया सेक्रेट गेम्स। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरियस टाइप की फिल्में उन्होंने की। जब उनसे आदि पुरुष के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म में रावण के ह्यूमन साइड को दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे सैफ का मतलब ये था कि वो जब एक नकारात्मक किरदार निभाएंगे, तब उनको उस किरदार के फैसलों का और कर्मों का पता चलेगा और उसकी समझ होगी। लेकिन लोगों ने इसे बिल्कुल ही अलग तरीके से ले लिया और उन्हें लगा कि रावण का नेगेटिव जो किरदार है वो नहीं दिखाया जाना और पॉजिटिव साइड दिखाई जानी है, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। और सैफ ने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जाता है। यहाँ तक सैफ ने
एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि भारत जब ब्रिटिश राज था भारत में, उसका फ़ायदा भारत को मिला, तब जाके डेवलप हुआ है। इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, नेटिजन्स को बिल्कुल पसंद आया सैफ का ये जो रवैया था। और अब आदि पुरुष के लिए भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साथ ही सैफ ने जब अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, तब भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि तैमूर का ये नाम तिमूर दल्लेव, एक मंगोलियन रूलर है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूल था, उससे प्रेरित है ये नाम। और फिर से सैफ ट्रोल होने लग गए। सैफ को जब हम तुम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था और फिर पद्मश्री मिला, तो कई लोग कहने लगे कि सैफ ने तो ये दोनों अवार्ड्स खरीदे थे। तो हमेशा ऐसे ही ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन सैफ की तारीफें भी करते नहीं थकते बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़। कपिल शर्मा शो ने भी कहा था कि सैफ नेगेटिव किरदार बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस वक्त सैफ की जो कलाएं हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके राजनीतिक बयानों और पर्सनल लाइफ पर। आपको इस बारे में क्या लगता है? आदि पुरुष में आपको उन्हें रावण के किरदार में देखने का कितना इंतज़ार है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। क्यों है प्रभास और ओम रोथ के बीच नाबंदी? इसका क्या असर पड़ रहा है फिल्म की शूटिंग पर? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में लाए कुछ अपडेट्स, तब आप वो सबसे पहले जान पाए। फिल्म आदि पुरुष है प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक। साथ ही साथ फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही जकास है, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम इंडियन सिनेमा में महापुरुष रामचंद्र के किरदार को दिखाया जाने वाला है। और जहां तक हमें यानी कि हम सबको पता है, ये फिल्म दरअसल रामायण से ही प्रेरित है और इसमें सीता माता, रावण राज, राजकुमार लक्ष्मण के किरदार भी हैं। फिल्म में प्रभु राम के किरदार में साउथ सुपरस्टार प्रभास, सीता माता के किरदार में कृति सनन, रावण के किरदार में सैफ अली खान और लक्ष्मण के किरदार में सनी सिंह नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। जहां तक हमें पता चला है, ओम रोथ एक बहुत ही एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट इंसान है। ओम रोथ ने कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके सेट पर किसी को कोई बीमारी नहीं होगी और वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके सेट पर सभी डबल मास्क के साथ साथ शील्ड भी पहन कर रखे हैं। ओम अपने शूट्स के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं और इसलिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू कर दी थी, मुंबई में लॉकडाउन हटने के बाद ही। ओम ने अपनी पहली फिल्म तहानाजी द अनसंग वॉरियर को पूरी तरह से गोरेगांव ईस्ट के मुंबई फिल्म सिटी में शूट किया था। फिल्म बहुत स्मूथली शूट हुई थी और कामयाब होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी लगी लोगों को, इसलिए ओम रोथ अभी इस फिल्म को भी उसी मुंबई फिल्म सिटी में ही शूट करना चाहते थे। ऊपर से उनके सारे टेक्निकेशन स्पोर्ट बॉयज और क्रू मेंबर्स मुंबई के ही रहने वाले हैं, जिसकी वजह से मुंबई में शूट करना ही सही रहता। लेकिन फिल्म के लीड हीरो प्रभास हैं हैदराबाद के। प्रभास हैदराबाद में ही रहते हैं और इसलिए वो चाहते थे कि फिल्म हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हो, मगर वो इस बात से नहीं माने। बहुत मुश्किल से मना कर प्रभास बार बार हैदराबाद और मुंबई के बीच शटल करते रहते थे शूटिंग के लिए। फिर जब कोविड की सेकेंड वेव आई, तब सभी शहरों में से मुंबई सबसे बुरी तरह से पीड़ित हुआ। केसेस हर रोज बढ़ते गए और फिल्म की 25% शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म के शूट को बंद करना पड़ गया। आदि पुरुष के सेट्स को पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा अब, और अभी हैदराबाद में फिर से सेट बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारा लॉस हो रहा है। अब तो एक ही उपाय है कि ओम रोथ एक शानदार फिल्म बनाकर प्रोडक्शन हाउस के लॉस को रिकवर नहीं बल्कि। क्या रिएक्शन था सनी सिंह का आदि पुरुष में रोल ऑफर होने के बाद? क्या फिल्म पोस्टपोन होने वाली है? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदि पुरुष की कास्टिंग के बारे में पता चल ही गया होगा हमारी पिछली वीडियो से। राजकुमार लक्ष्मण का किरदार बॉलीवुड के दो बड़े यंग स्टार्स को ऑफर किया गया था, मगर दोनों ने अलग अलग कारणों की वजह से फिल्म करने से मना कर दिया। दोनों स्टार्स कौन है आपको तो पता ही होगा, है ना? या नहीं, आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी? जल्दी जाकर देखिए कौन थे वो दो बड़े यंग स्टार्स जिन्हें लक्ष्मण का किरदार ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने मना कर दिया फिल्म करने के लिए, क्योंकि हम नहीं बताएंगे इस बार। आप जाके उस वीडियो को देखकर ही मिस्ट्री को सोल्व करना पड़ेगा।
हाँ तो दोस्तों, लक्ष्मण का किरदार आखिर मिला सनी सिंह को। उन दो बड़े यंग स्टार्स में से एक ने सनी सिंह के साथ दो और फिल्में की है। दरअसल उन यंग स्टार्स में से एक थे कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन के साथ ओम राउत कब से काम करना चाहते थे। सुनना जा रहा था कि फ्यूचर में कार्तिक के साथ ओम कोलैबोरेट करने वाले हैं। फिर टी सीरीज के साथ कार्तिक ने ओम के द्वारा डायरेक्टेड एक एनिमेटेड डांस वीडियो में भी काम किया। हालांकि वीडियो अपने पोटेंशियल के हिसाब से पॉपुलर नहीं हो पाई। कार्तिक के साथ आदि पुरुष में कोलैबोरेट करना चाहते थे ओम, वो भी टी सीरीज की सहायता के साथ, मगर ऐसा हुआ नहीं। कार्तिक ने फिर अपने क्लोज फ्रेंड सनी सिंह का नाम सजेस्ट किया ओम को इस रोल के लिए। तो सनी सिंह को जब ये पार्ट मिला तो वो बहुत समय के लिए खामोश हो गए। उनको जैसे पता नहीं चला कि कैसे रिएक्ट किया जाए। अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका मानते हैं सनी, जिनके पिता फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मगर उन्हें फिल्म लाइन में आने के लिए कई रोलियां देखनी पड़ी। इस मौके से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें। इसी आशा के साथ खूब नर्वस होने के बावजूद छलांग मारने के लिए तैयार है सनी। फिल्म का पहला मोशन पोस्टर प्रभास के ऊपर बेस्ड होगा। इस पोस्टर में वो भगवान श्री राम के भेष में दिखेंगे। इस पोस्टर को अप्रैल 21 को यानी कि रामनवमी के शुभ अवसर पर रिलीज करने के प्लान्स थे, मगर वो नहीं हुआ। फिल्म के पोस्टपोन की खबरें आने लगी। हालांकि फिल्म को भी आने में अभी बहुत देर है, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन ठीक होते ही मार्केट में बहुत भीड़ हो जाएगी पुरानी फिल्मों की, जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुई। आपको क्या लगता है, आदि पुरुष का पोस्टर ने सही फिल्म को एटलीस्ट अगले साल रामनवमी पर रिलीज कर दिया जाए? इससे वक्त भी मिलेगा साथ ही शूट के लिए। और आदि पुरुष के कंपैरिजंस हो सकते हैं कौन से फिल्मों के साथ? क्यों ये फिल्म दे सकती है आदि पुरुष को बराबरी की टक्कर? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं, तब आप ही वो सब सबसे पहले जान पाए। दोस्तों, अभी जल्द होने वाली है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एपिक ड्रामा, लार्ज स्केल पीरियड फिल्म्स, बिग बजट एक्शन और हैवी रोमांस की बरसात। जब तक इस जॉनर की एक बार नहीं आ जाती, तब तक फिल्म इंडस्ट्री में पीरियड फिल्म की बरसात तो जारी रहने वाली है। और तो और, लग रहा है कि जल्द ही संजय लीला भंसाली को भी मिल सकती है बराबरी की टक्कर, क्योंकि जब इतनी सारी पीरियड फिल्म्स बन रही है तो इनमें से कोई ना कोई तो जरूर भंसाली के स्टैंडर्ड को टक्कर देने वाली होगी ही। क्यों, अभी हाल ही में ग्रैंड पीरियड फिल्म्स बनाने वाले मेकर्स की लिस्ट में नई एंट्री है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर ओम राउत की। ओम राउत ने अपनी डेब्यू फिल्म तान्हाजी से ही तीन बड़े बड़े स्टार्स अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान के साथ काम किया है। फिल्म को एक बहुत जबरदस्त हिट मिलने के साथ साथ क्रिटिक्स का भी प्यार मिला है। फिल्म को अन्य पीरियड फिल्म्स की तरह इतिहास के पेंडिशन से कोर्ट केसेस का सामना नहीं करना पड़ा और अपने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए फिल्म के मेकर्स की तारीफ की गई। अभी ओम राउत ने एक और पीरियड फिल्म बनाने का दायित्व उठा लिया है और इस बार काम भारी होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट इस बार है भारतवर्ष के सबसे पॉपुलर एपिक्स में से एक रामायण के ऊपर। मगर सबसे बड़ी चुनौती ये होने वाली है कि इस फिल्म के साथ साथ एक और फिल्म भगवान श्री राम पर बनने वाली है। हालांकि अभी बॉलीवुड में कई एपिक ड्रामास बनने वाले हैं, मगर सबसे ज्यादा कंपैरिजंस तो तब होगा जब एक ही कंसेप्ट पर दोनों फिल्म्स बनेगी, जैसे कि हर्षद मेहता की कहानी के साथ हुआ था। पहले इस पर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हंसल मेहता ने स्कैम 1992 नाम की वेब सीरीज बनाई, जो सोनी लिव पर पेंडेमिक के दौरान रिलीज हुई। सीरीज जबरदस्त हिट रही। प्रतीक गांधी, जिन्होंने शो में हर्षद मेहता का किरदार निभाया था, रातों रात एक बहुत बड़े स्टार बन गए। मगर अभी हाल ही अभिषेक बच्चन के साथ द बिग बुल रिलीज हुई है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई है, और जाहिर सी बात है मूवी जितनी भी अच्छी हो उसे हमेशा स्कैम 1992 से कम ही माना जाएगा, क्योंकि स्कैम पहले आई थी। उसी तरह दीपिका पादुकोण भी कई सालों से सीता के ऊपर एक फिल्म बनवाना चाहती हैं। दीपिका ने खुद ये आइडिया कंसीव किया था और इसके लिए कुछ अच्छे मेकर्स की तलाश में थी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में दीपिका के ऑपोजिट महेश बाबू नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी भी महेश बाबू की टीम ने इन रिपोर्ट्स को झूठ बतलाया है। दीपिका और महेश दोनों ही एक टैलेंट एजेंसी क्वान के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नितेश तिवारी भी एक रामायण एडाप्टेशन बना रहे हैं,
और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता के एक्स हस्बैंड मधु मंटीना वर्मा भी रामायण के ऊपर कई सालों से फिल्म बनाना चाहते थे, और जब उन्होंने आदि पुरुष की अनाउंसमेंट के बारे में सुना तब वो भी भागे चले आए इसे बनाने के लिए। अब तो इस रेस में वही घोड़ा जीतेगा जो पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा। अब इसका क्या मतलब होता है हम एक और वीडियो के साथ वापस लौट कर आपको समझाएंगे। तब तक आप अपने सवाल हमें। आदि पुरुष पर छिड़ी कंट्रोवर्सी के बाद अभिनेता सैफ अली खान ने क्या ताजा बयान दिया? कब हो रही है अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष रिलीज? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, सैफ अली खान की कंट्रोवर्सी काफी अंडररेटेड है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। सारा लाइमलाइट तो कंगना रनौत ही लेके चले जाती है, कंट्रोवर्सी इतनी होती है, अब तो वो कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से भी मशहूर है। वेल दोस्तों, हम आपको ज्यादा निराश नहीं करेंगे, हम सैफ अली खान की कंट्रोवर्सी के बारे में भी आपसे कुछ खास बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अपना पूरा फोकस आप आदि पुरुष पर रखिए जो आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली है। जब आदि पुरुष की अनाउंसमेंट हुई थी और ये पता चला था कि सैफ अली खान इस अपकमिंग फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले हैं, तो उस दौरान अभिनेता ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उस अपकमिंग फिल्म में रावण का ह्यूमन साइड दिखाने की कोशिश करेंगे। वेल, ये बात कुछ लोगों को एकदम पसंद नहीं आई थी और फिर लोगों ने ये मांग किया कि सैफ अली खान को आदि पुरुष से बेदखल कर दिया जाए। इसी बीच सैफ अली खान ने हाल ही में एक फिल्म कंपैरिजन को दिए गए अपने इंटरव्यू में आदि पुरुष पर खास बातचीत की। खास तौर पर अपने रोल पर उन्होंने कुछ खास बयान दिया। उन्होंने बताया कि वो रावण का किरदार निभाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, खास तौर पर वो 10 सिर जब उनके पास आएंगे और वो बड़े स्क्रीन पर दिखेंगे तो वो कैसे लगेंगे ये जानने के लिए और देखने के लिए सैफ अली खान बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने रावण के किरदार पर और बातचीत करते हुए बताया कि रावण का किरदार ऐसा है कि इंडिया में उसे एक शैतानी किरदार माना जाता है, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हर इंसान में एक शैतान का रूप जरूर छुपा होता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं कि मन करता है एक इंसान का गला घोटकर उसको मार दिया जाए, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों, सैफ अली खान इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। डायरेक्टर ओम रॉथ की इस अपकमिंग फिल्म में सैफ अली खान आपको रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं। सैफ अली खान ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये भी कहा कि रावण का किरदार पूरे अहंकार से प्रभावित था जिस वजह से उसका विनाश हुआ। वेल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि रावण एक ज्ञानी भी था और वो बहुत पढ़ा लिखा था, इसके बावजूद वो शैतानी रूप का हिस्सा बना। अगर सोर्सेज की माने तो ओम रॉथ की इस अपकमिंग फिल्म में रावण का किरदार एक बेहद ही शक्तिशाली किरदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान राम कैसे रावण को परास्त करते हैं एंड में ये आपको देखने को मिलेगा इस अपकमिंग फिल्म में। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं ये इस अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के लिए, और खास तौर पर भगवान राम के रूप में आपको नजर आएंगे प्रभास, साथ ही साथ सैफ अली खान दिखने वाले हैं रावण के किरदार में और सीता का किरदार निभाने वाली कीर्ति सेनन। हम जानते हैं इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आप सभी बेहद उत्सुक होंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आदि पुरुष रिलीज होने वाली है, अगर सोर्सेज की माने तो। ये टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर चेहरों की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला जिनका नाम सामने जरूर आता है। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला कभी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। इन दिनों वो अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जल्दी वो अपकमिंग वेब सीरीज ब्रोकन बूट ब्यूटीफुल 3 में नजर आएंगे। अब इस बीच सिद्धार्थ के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सिद्धार्थ शुक्ला प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष में दिखाई देंगे। ट्विटर पर सोमवार को आदि पुरुष हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस लगातार ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वैसे अभी तक एक्टर की ओर से इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई, ना ही फिल्म के प्रोडक्शन की ओर से कोई पुष्टि हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ आदि पुरुष में मेघनाथ का कैरेक्टर निभाते दिखेंगे। फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स ने अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस तरह से लोग ट्विटर पर खुशियां मना रहे उसे देखकर लगता है कि वो फिल्म का हिस्सा है। प्रभास स्टारर आदि पुरुष एक मेगा बजट फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास भगवान राम के कैरेक्टर में नजर आएंगे।
फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे रोका गया था और खबर है कि फिल्म की जल्दी शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो सकती है। आपको दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में प्रभास के अलावा सैफ अली खान, कृति सैनन भी नजर आने वाली हैं। बता दें कि कृति सैनन जहां सीता के रोल में नजर आएंगी, वहीं सैफ अली खान नेगेटिव कैरेक्टर रावण के रोल में नजर आने वाले हैं। वेल, अब जब से खबर आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला मेघनाथ के कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं, तब से सिद्धार्थ के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे भी देखा जाए दोस्तों तो जिस तरह से सिद्धार्थ की फिजिक है, हो सकता है कि उन्हें मेघनाथ के कैरेक्टर के लिए ऑफर किया गया हो, लेकिन अभी सब कुछ कागजी कार्रवाई पर बात टिकी हो और कुछ समय बाद फाइनली मेकर्स अनाउंसमेंट करे। वेल, आप कितने हैप्पी हैं इस न्यूज को सुनने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, स्वागत है आपका फिल्मों से भरे बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जी हाँ, यहाँ आपको जानने के लिए मिलता है कि कौन सी फिल्म रिलीज हो चुकी है और कौन सी फिल्म अब आने वाली है, किस फिल्म को दर्शकों ने कर दिया हिट और किस फिल्म को कर दिया टाटा बाय बाय। तो इसी सिलसिले में मैं पूर्णिमा मेहरा आपके सामने हाजिर हूँ एक नई फिल्म के साथ जिसका नाम है आदि पुरुष। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी फिल्म आदि पुरुष के बारे में जिसमें आपको नजर आने वाले हैं मोस्ट हैंडसम सुपरस्टार प्रभास। वैसे नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। वैसे इस फिल्म से जुड़ा एक काफी फेमस सवाल था जो कि काफी ट्रेंड भी हो रहा था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फिल्म का जवाब मिल चुका होगा अगर आपने बाहुबली 2 देखी होगी तो। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वापस आते हैं फिल्म आदि पुरुष में। क्या आपको पता है कि इस फिल्म की कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में प्रभास के साथ कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है? इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म की कुल लागत कितनी है? तो चलिए अब घबराइए मत, ये सवाल मैं आपसे पूछने नहीं वाली हूँ बल्कि मैं आपको इन सब सवालों के जवाब यहाँ देने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ यहीं बॉलीग्राड स्टूडियोज पर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म रामायण पर बेस्ड है और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म की एक्ट्रेस के लिए नाम आया था दीपिका पादुकोण का, पर अब वो आपको इस फिल्म में नजर नहीं आने वाली है। इसका एक मेन रीजन है, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म और है जिसका नाम है नागाश्विनी। जी हाँ, प्रभास और दीपिका पादुकोण नागाश्विनी में एक साथ नजर आने वाले हैं। यही एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण को फिल्म आदि पुरुष में नहीं लिया गया। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस फिल्म में प्रभास के साथ नजर आने वाली है कृति सैनन। जी हाँ, जहाँ फिल्म में प्रभास राम के रूप में नजर आएंगे तो वहीं कृति सैनन इस फिल्म में माता सीता का रोल प्ले करेंगी। वैसे मैंने इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम तो आपको बताया ही नहीं। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है ओम रॉथ और इस फिल्म का कुल बजट है 500 करोड़ रुपए। तो चलिए, मैंने तो अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए लेकिन जाते जाते मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में सैफ अली खान भी आपको नजर आने वाले हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सैफ अली खान इस फिल्म में किस किरदार में नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्या इस एक्टर को आदि पुरुष में हनुमान की भूमिका में लिया जाने वाला है? किन दोनों में होने वाली है अब कॉम्पिटिशन हनुमान जी के रोल के लिए? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। दोस्तों, कल हम आपको बता रहे थे कि कैसे टीवी और फिल्म्स के बीच का फासला अभी पूरी तरह से दूर हो गया है। आजकल अगर कुछ वाकई में मायने रखता है तो वो है प्रोडक्ट या कॉन्टेंट। आजकल लोग शाहरुख खान को भी छोटे पर्दे पर देखने के लिए राजी हैं जब तक कि कंटेंट अच्छा हो। हालांकि दोस्तों, शाहरुख ने खुद भी छोटे पर्दे से ही अपनी जर्नी शुरू की थी। वो एक एग्जांपल है कि कैसे एक एक्टर अपने टैलेंट के वजूद से ही मीडियम को डिफाइन करके टेलीविजन से फिल्म्स पर छलांग मारकर वहां पर भी अपना रंग जमा पाए। लेकिन फिर भी यह सब बहुत कम हुआ है कि टेलीविजन से कोई सिनेमा में भी अपना रंग उसी तरह से जमा पाए। शाहरुख खान तो 5 जमाने में एक बार पैदा होते हैं। कपिल शर्मा, यामी गौतम, प्राची देसाई सबके सब टेलीविजन से ही फिल्म्स में एंटर कर पाए हैं, मगर कोई एसआरके नहीं बन पाया। अभी बहुत सारे टीवी स्टार्स फिल्म में एंट्री करने वाले हैं।
पार्थ समांथन आलिया भट्ट का ऑपोजिट एक इंडो चाइना फिल्म पर काम करने वाले हैं। शांतनु महेश्वरी भी आलिया भट्ट के ऑपोजिट ही गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आने वाले हैं। तो जिस टीवी एक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं आखिर वो कौन है? दोस्तों बता दें कि आदि पुरुष में शायद दो टीवी एक्टर्स में से कोई एक हनुमान जी के रोल के लिए चुना जाने वाला है। दोस्तों आदि पुरुष में अब तक हम गेस कर रहे थे कि शायद हनुमान जी के रोल के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन दोस्तों किसे पता है कि चुप चुप के ओम साहिब अपनी कास्ट पक्की कर रहे हैं। दोस्तों सुना गया है कि हनुमान जी के रोल के लिए या तो मोहित रैना नहीं तो गौतम गुलाटी नजर आने वाले हैं। मोहित रैना के लिए मिथोलॉजिकल स्पेस काफी जाना पहचाना है क्योंकि मोहित रैना ने पहले देवों के देव महादेव जैसी सुपर सक्सेसफुल टीवी शो में महादेव का किरदार बखूबी से निभाया था। फिर कई रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने के बाद मोहित ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसी के लिए भी उन्हें काफी प्रशंसा मिली थी। जहां तक गौतम गुलाटी की बात है तो गौतम गुलाटी ने दिया और बाती हम में सपोर्टिंग रोल किया था, जिसके बाद शो के बीच से उन्होंने एग्जिट किया और बिग बॉस में भाग लेकर रनर अप्स बन गए थे। फिर बिग एफ और बाकी रियलिटी शोज के बाद उन्होंने हाल ही में राधे से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है, जिसमें उन्हें एक साइकोटिक किरदार निभाया है जिसका नाम है गिरगिट। उन्हें काफी प्रशंसा भी मिल रही है और शायद दोस्तों अब इन दोनों के बीच ही होने वाला है चुनाव आदि पुरुष मूवी के लिए। तो कौन मारेगा इस रेस में छलांग, मोहित रैना या फिर गौतम गुलाटी? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट लाएं तो आप उसे सबसे पहले जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत ही बुरी आदत है कि हम अक्सर अपने कल्चर और अपने रिच पास्ट या हिस्ट्री को भूल जाते हैं। अब हमारे स्वाधीनता संग्रामियों के बारे में ही सोच लीजिए, ना जाने कितने वर्षों तक वो लड़ते रहे अपने देश और मातृभूमि को आजाद कराने के लिए, ताकि आने वाले कल में उनका देश भारत किसी के आगे ना झुके, किसी का गुलाम ना रहे, बल्कि खुद अपने आप पर राज कर सके। आज ना जाने कितनी तरी तरीके की चीजें हम आसानी से कर पाते हैं बिना सोचे कि 1947 से पहले शायद ये मामूली काम भी करने के लिए हमें कितने गोरों से परमिशन लेनी पड़ती, और इसके बावजूद हम इस बात की कदर नहीं करते और अपने देश की स्वाधीनता को हल्के में ले रहे हैं। कहीं इसका अंजाम हमें फ्यूचर में ना सहना पड़े। कई कलाकार अपनी कला की पहचान दिखाते हैं अपने गांव में अनुष्ठित रामलीला या फिर कृष्ण लीला में। गांव गांव में भगवान श्री राम की कहानी को मंच पर दिखाया जाता है कलाकारों के माध्यम से हर साल दशहरा के वक्त। लेकिन वही कलाकार जब फिल्मों में प्रवेश कर जाते हैं तो पश्चिमी तौर तरीकों को तवज्जो देने लगते हैं, और इसीलिए हमारे सिनेमा में बहुत कम बार ही हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को दिखाया जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब सब कुछ दुनिया में फिसल जाता हो, हाथ से निकल जाता हो, तो इंसान घूम फिर के अपने ही घर वापस लौटता है। ठीक वैसे ही जब एक अनजान अनदेखा अनसुना सा वायरस कोरोना हम पर आक्रमण करने चला आया, हम सब ने डर के सावधानी के साथ अपने ही घरों तक अपने मूवमेंट सीमित रखना ठीक समझा। हम सब सतर्कता से घर में बंद कर रह गए और हर रोज बाहर सड़कों पर मस्ती करने वाले हम सब अपने ही घर में तंग आने लगे, बोर होने लगे। लोगों ने डिमांड की कि डीडी नेशनल पर फिर से रामायण लगाई जाए और सारे भारतीय उस शो को देखते रह गए। जिस संस्कृति और कल्चर से दूर भागते रहे, अचानक उसी शो के पास ही पहुंचना पड़ा ना अपनी आत्मा को संतुष्टि और सुकून देने के लिए। सभी तृप्त हो गए और आखिर में शो टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा बार वॉच टेलीविजन सीरीज बन गई, जिसकी वजह से बाद में यही एपिक शो कई और चैनल्स में भी दिखाया जाने लगा। और इसी शो की कामयाबी के बाद ओम राउत को लगा कि शायद अब वक्त आ गया है कि रामायण की कहानी को भी वो बड़े पर्दे के लिए बनाए, ताकि लोगों को रामायण की कहानी से एक ऐश्वर्या को किडनैप किया था अभिषेक बच्चन ने। महाभारत पर आधारित किस फिल्म में थे रणबीर कपूर और शशि कपूर की फिल्म कलयुग किस तरह जुड़ी है पुरानों से? बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो डायरेक्टली न सही पर इनडायरेक्ट वे में भारतीय पुराण से जुड़ी होती है। या तो उनकी कहानी ऐसी होती है, या तो प्लॉट या फिर किरदारों के नाम ही ऐसे रख दिए जाते हैं जहाँ से आपको किसी न किसी तरह पुराण से उसके जुड़े होने का अंदाज लग ही जाता है।
आइए फिर आज बात करते हैं बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ फिल्मों की जो इनडायरेक्ट तरीकों से माइथोलॉजी से जुड़ी है। पहली फिल्म है राजनीति, जो 2010 में आई थी। ये भारतीय पुराण महाभारत पर आधारित इस पॉलिटिकल ड्रामा का निर्देशन प्रकाश झा ने किया था। फिल्म में महाभारत को आधार बनाकर उस पर मॉडर्न टेक लिया गया है। कहानी दो भाइयों की है जो राजनीति के लिए लड़ रहे हैं। मनोज वाजपेयी जो एक नेगेटिव रोल में, उन्हें दुर्योधन का झलक दिखती है, जहां नाना पाटेकर में कृष्ण, रणबीर कपूर में अर्जुन और अर्जुन रामपाल में भीम और अजय देवगन में भीम की झलक दिखती है। ये फिल्म अगर आपको देखनी है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दूसरी फिल्म है रावण, जो 2010 में ही आई थी। ये मणि रत्नम द्वारा निर्देशित है। ये थ्रिलर फिल्म रामायण पर आधारित थी, जहां रागिनी यानी ऐश्वर्या राय, जो एक पुलिस वाले देव यानी विक्रम की बीवी है, उसपे एक डाकू बीरा किडनैप कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामायण में रावण ने सीता का अपहरण किया था। फिल्म में राम और रावण के बीच की लड़ाई को ही दिखाया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी कहानी से ज्यादा ये अपने गानों, कास्ट और सीन्स के लिए मशहूर हुई थी। अगर आप भी ये फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तीसरी फिल्म है कलयुग, जो 1981 में आई थी। श्याम बेनगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म महाभारत पर आधारित है। फिल्म फेयर अवार्ड को बेस्ट फिल्म जीत चुकी इस फिल्म में शशि कपूर, राज बब्बर, रेखा और सुप्रिया पाठक जैसे कलाकार थे। कहानी दो मॉडर्न परिवार की है, जहां परिवार वालों में आपस में बिजनेस को लेकर झगड़े होते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ये फिल्म बेशक ही एक मस्ट वॉच है, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। चौथी फिल्म है बाहुबली सीरीज, जो 2015 और 2017 में आई थी। SS राजा मौली द्वारा निर्देशित इस सीरीज को, दोनों ही फिल्में रामायण और महाभारत पर आधारित थी। पहले भाग में जिस तरह से दो भाई राज्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें एक भाई भल्लाल देव यानी दुर्योधन की तरह दुष्ट है और अत्याचारी है, उसके पिता महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह विकलांग है, कटप्पा का किरदार भीष्म से मिलता है, जबकि वहीं दूसरे भाग में रामायण के कई अंश देखने मिलते हैं। रामायण में राम जी की तरह बाहुबली को भी राज्य से निकाल दिया जाता है। तो ये तो थी बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जो पुराणों पर आधारित थी। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में भी हैं जो रामायण और महाभारत जैसी कथाओं पर ही बनी है? जी हाँ, कई फिल्में जिनमें असली कहानी को ही दिखाया गया है। इनके बारे में हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस श्रेणी में एक और फिल्म जुड़ने जा रही है, जिसका नाम है आदि पुरुष। ओम राव द्वारा निर्देशित ये फिल्म रामायण पर आधारित होगी, जिसमें साउथ के सुपरस्टार प्रभास, कृति सैनन, सनी सिंह और सैफ अली खान मुख्य किरदारों में होंगे। वहीं आपको बता दें कि टेलीविजन के स्टार सिद्धार्थ शुक्ला भी फिल्म में एक खास किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म और इसकी स्टार कास्ट से जुड़ी और भी कई बातों के लिए हम आपके सामने दूसरी वीडियोस में लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें क्या सोचते हैं कृति आदि पुरुष में अपने किरदार के बारे में, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कृति को फिल्म के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि आदि पुरुष हिंदी धर्म में भगवान श्री राम को कहा जाता है, उन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है और ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष भी रामायण से प्रेरित है। हालांकि ये तय नहीं है कि फिल्म में रामायण ही दिखाई जाएगी या रामायण से प्रेरित एक असल जिंदगी की कहानी। अब जब भी बात धर्म की या भगवानों की आती है तो लोग अक्सर उत्तेजित हो जाते हैं। 2014 में आई फिल्म पीके को आज तक एक कॉमेडी सीन के लिए ट्रोल किया जाता है, जिसमें एक नाटक के दौरान एक आदमी भगवान शिव के भेष में होता है और उसके जरिए धर्मों को दुनिया में अपालन करने के तरीकों पर सवाल उठाता था। उससे लोगों ने फिल्म को एंटी हिंदू घोषित कर दिया। फिर 2013 में रिलीज हुई गोलियों की रासलीला रामलीला के खिलाफ भी कई केसेस दर्ज हो गए। फिल्म का ओरिजिनल नाम था गोरियों की रासलीला रामलीला। इस टाइटल से राम भक्तों को ठेस पहुंची, इसकी वजह से फिल्म का टाइटल चेंज किया गया।
बंसाली और कंट्रोवर्सीज का गहरा नाता है। 2018 में आई फिल्म पद्मावत ने जैसे पूरे देश को हिला कर रख दिया था। सिर्फ फिल्म ही नहीं, फिल्म से जुड़े कंट्रोवर्सीज ने प्रचुर मात्रा का इम्पैक्ट डाला था। करनी सेना ने घोषणा की थी कि उनकी रानी पद्मावती को बदनाम करने के लिए बनाई गई है और इसलिए उन्होंने संजय लीला बंसाली के फिल्म सेट पर ही जाकर हमला कर दिया। उन्होंने दीपिका पादुकोण के नाक काटने की भी धमकी दी। फिल्म का नाम फिर पद्मावत किया गया। 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका को भी कई धार्मिक ग्रुप्स ने बैन करने की मांग की थी, मगर कंगना रनौत ने भी उन ग्रुप्स को चैलेंज करके कहा कि वो भी एक राजपूत हैं और अगर उन पर ये फिल्म पर कोई प्रहार करे तो वो खुद उन सेनाओं को खत्म कर देगी। फिल्म पर आगे जाकर कोई और कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं हुई। प्रभास की अब तक के एक बड़े स्टार बन गए हैं तो उनके खिलाफ केसेस होना और भी आसान हो जाएगा, ठीक जैसे दीपिका देश की सबसे बड़ी हीरोइन होने के बावजूद उनके खिलाफ पद्मावत के लिए केसेस दर्ज किए गए थे। और फिल्म अच्छी हो इसके ऊपर भी फोकस कर रही है फिल्म की हीरोइन कृति सेनन, क्योंकि पेंडेमिक के बीच रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म जैसे लक्ष्मी, कूली नंबर वन और अब राधे सबकी सब काफी क्रिटिसिज्म के शिकार हो चुकी है। हालांकि लूडो जैसी अलग फिल्में सबको पसंद आई है, तो इसलिए इस बार कृति सेनन ने कहा कि वो लोगों का सेंटीमेंट समझते हैं जब ऐसे हादसे होते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का सीता माता के साथ एक गहरा संबंध है और अगर उन पर फिल्म बनाई जाती है तो ये देखना चाहिए कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन में कहीं फिल्म में सच को घुमाया फिराया नहीं गया है। कृति ने पहले पानीपत में भी काम किया था और वो उन्हें बहुत कम पीरियड फिल्मों में से एक थी जिन पर कोई केसेस नहीं थोपा गया। अब कृति की मौजूदगी माँ सीता की भूमिका में फिल्म को क्या नए एलिमेंट्स दे सकती है, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। और यमराज और कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? एक स्त्री, एक साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। और यमराज और कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? एक स्त्री, एक Thank you.
ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। और यमराज और कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? एक स्त्री, एक साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। और यमराज और कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? एक स्त्री, एक साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन।